देर रात नोएडा में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। मामला नोएडा के थाना सेक्टर 20 इलाके का है, जहां पर सेक्टर 15 के पास कुछ बदमाश I-10 कार में सवार होकर जा रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने जब इनकी घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई। फायरिंग में सागर नाम का एक बदमाश घायल हो गया, वहीं इसके 3 साथी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। फायरिंग के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी बदमाशों की गोली का शिकार हो गए। फिलहाल घायल बदमाश और पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक सागर नाम के व्यक्ति को थाना 20 से लाया गया है, जिसके पैर में चोट लगी हुई है। सर क्या मामला है, क्यों लाया गया है, क्या मामला था? अब ये सब चीजें पुलिस बताएगी। सर कितना घायल है, कितना इंजर्ड है? बस पैर में घाव है 2 जगह। अभी इसकी हालत कैसी है? अभी हालत ठीक है, नॉर्मल है, भर्ती कर दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये सभी बदमाश ठक ठक गैंग के सदस्य थे। वहीं पुलिस की मुठभेड़ में घायल बदमाश का नाम सागर है, जिसकी लंबे समय से नोएडा पुलिस को तलाश थी। जानकारी के अनुसार इस गैंग के सदस्यों के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा मामले नोएडा और आसपास के इलाकों में दर्ज हैं। और आज एक मुठभेड़ के दौरान ये गिरोह नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इनके पास से एक I-20 कार, अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। थाना क्षेत्र सेक्टर 20 में पुलिस के साथ में एक्सचेंज ऑफ फायर में सेक्टर 15 के नाला के पास में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें के 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जो कि ठक ठक गैंग के सदस्य हैं। इसमें एक बदमाश जो कि सागर नाम का है, जिसके गोली लगने से जो घायल हुआ है पुलिस क्रैकडाउन में, और इनके खिलाफ जो आपराधिक इतिहास अभी पूछताछ में जो पता चला है कि 15 से ज़्यादा मुकदमे इस गैंग के सदस्यों पर दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में व NCR क्षेत्र में पंजीकृत हैं। बाकी और जो 3 बदमाश साथी जो अरेस्ट हुए हैं और एक बदमाश जो घायल हुए, इनके पास में 3 तमंचे और 1 पिस्टल बरामद हुई है और काफ़ी भारी मात्रा में कारतूस इनसे बरामद हुए हैं, और आगे की पूछताछ के आधार पर इसमें अवश्य कार्रवाई की जा रही है। और एक गाड़ी I-10 बिना नंबर की जो इनसे बरामद हुई है, और साथ ही साथ कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ, जिसकी जाँच कराई जा रही है। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टोरी हाउ.इन।